बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आप देख रहे हैं FM पावर जीहाना चैनल। सो मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दही फुलकियों की रेसिपी। ये बहुत ही आसान है बनाना और बनती भी बहुत ही मज़े की है और चंद ही मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक अदद बोल लेना है, इसके अंदर आपने 1 किलो के करीब दही शामिल करना है। ये मेरे पास गाढ़ा दही है यानी कि थिक, इसलिए मैं इसके अंदर 1 कप के करीब दूध शामिल कर रही हूँ। अगर आपका जो दही है वो थोड़ा पतला है तो आपने आधा कप दूध शामिल करना है। इसके बाद इसमें शामिल कीजिएगा आधी छोटी चम्मच नमक का, आधी छोटी चम्मच इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का पाउडर। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी आधी छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत ही मज़े की और स्पाइसी चाट आपकी बन के तैयार होती है। ज़ीरा पाउडर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच यानी कि 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून यानी कि आधी छोटी चम्मच। ये दोनों मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ज़ीरा, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच और ये साबित ज़ीरा है। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है चाट मसाला पाउडर का, ये 1 छोटी चम्मच मैंने लिया है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 छोटी चम्मच चीनी का, ये दानेदार चीनी मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं 1 छोटी चम्मच। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने विस्क की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास विस्क मौजूद नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिक्स हो चुका है। सो गाइस, ये बहुत ही हेल्दी चाट बनती है क्योंकि इसके अंदर दही भी है और सब्जियां भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 अदद प्याज लिया, इसको फाइनली चॉप कर दिया, वो इसमें शामिल किया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 अदद टमाटर। टमाटर लें, उसके आपने बीज यानी कि सीड्स को रिमूव कर देना है और आपने इसे फाइनली चॉप कर देना है, वो डाल देना है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी आलू। ये बॉईल किए हुए आलू हैं, मैंने 2 अदद दरमियाने साइज के आलू लिए, उनका छिलका उतारा, उनको बारीक बारीक कट किया इस तरीके से क्यूब्स की फॉर्म में और उसके बाद इनको पानी में बॉयल किया और फिर इसमें शामिल कर दिया। आलू डालने के बाद अब आपने इसके अंदर शामिल करनी है बूंदी। तो ये इसे हम फुलकियाँ भी कहते हैं, बूंदी भी कहते हैं। फुलकियों को आपने पानी के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर भिगो के रखना है तकरीबन 15 मिनट के लिए और उसके बाद हाथों की मदद से आप उठाएं, हल्का सा प्रेस करें ताकि इसमें से पानी निकल जाए और फिर आप इसे दही में डालते जाएं। इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई है, वीडियो के एंड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा कि आप घर में किस तरीके से फुलकियाँ बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने फुलकियाँ भी डाल दी, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब हम इसे गार्निश करेंगे। थोड़ी सी 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने कट की थी, वो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। इसके बाद मैं इसके ऊपर शामिल करूंगी थोड़ा सा प्याज और साथ ही मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा टमाटर। ये कटे हुए चॉप किए हुए टमाटर और प्याज थे, मैंने इसके ऊपर डाल दिया ताकि ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगे, क्योंकि ये खाने में तो मज़े की है ही, तो अगर आप इसे अच्छे तरीके से सर्व भी करेंगे, सजा के किसी के सामने पेश करेंगे तो उनको देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद आपने इसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल कर देना है चाट मसाला और लीजिए जनाब, मज़ेदार सी दही फुलकी चाट आपकी बनके तैयार हो चुकी है। रमज़ान में इफ्तार में इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इसके बाद भी आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगेबान।